नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव R9 भारत से इस समय हथेड़ा ग्राम सभा में मौजूद हूं और अभी अभी सूचना मिली है कि हथेड़ा ग्राम सभा के आदिवासी बस्ती में एक लगभग तीन से चार फीट का मगरमच्छ पकड़ा गया है रात्रि में और बीती रात को, और ग्रामीणों ने इसको पकड़कर और बांध दिया है और वन विभाग को सूचना दिया है। और ये मगरमच्छ पानी से निकलकर और घरों में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिस पर कि ग्रामीणों की नज़र जब इस पर गई तो इसको पकड़कर बांध दिया है। बगल में ही तालाब है, लगता है तालाब से निकलकर ये नहर के रास्ते से घरों में घुसने का प्रयास कर रहा था और ग्रामीणों ने इसको पकड़कर बाकायदे बांध दिया है रस्सी में और ड्रमनगंज वन रेंज को सूचना दे दिया है, हलिया वन रेंज को। लेकिन ये पड़ता है ड्रमनगंज वन रेंज क्षेत्र अंतर्गत, इसलिए अभी अभी एक ड्रमनगंज के जो कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं और इसको पकड़कर अब देखते हैं किस जलाशय में छोड़ने जाते हैं इसको। गौरव श्रीवास्तव R9 भारत, हलिया, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र में ब्रह्मंडगंज वन रेंज के हथेड़ा ग्राम पंचायत के गुंगिया बस्ती में शनिवार देर रात बस्ती में 4 फीट के मगरमच्छ को चहलकदमी करते बस्ती की ओर बढ़ते देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। संयोग ठीक था कि रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों की नज़र मगरमच्छ पर पड़ गई और एहतियात बरतते हुए ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में लाठी डंडा लेकर मगरमच्छ को घेर लिया और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया और वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम रात में नहीं पहुंची, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त रहा। ग्रामीण रात भर मगरमच्छ की निगरानी करते रहे। रविवार सुबह 9 बजे के बाद गांव में वन विभाग के न्यूनतम वेतन कर्मचारी सौरभ सिंह उर्फ सोनल ने पहुंचकर वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित अदवा जलाशय में छोड़ दिया। मौके पर पहुंचे R9 भारत के जिला संवाददाता ने इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी BK तिवारी से दूरसंचार के माध्यम से बात करना चाहा, लेकिन संबंधित वन अधिकारी से बात करना उचित नहीं समझा। संयोग ठीक रहा कि ग्रामीणों की नज़र मगरमच्छ पर पड़ गई, अन्यथा मवेशियों तथा अन्य लोगों को जान माल का खतरा पैदा हो जाता। ग्रामीणों ने समीप स्थित तालाब से मगरमच्छ के आने की शंका जताई है। R9 भारत से गौरव श्रीवास्तव द्वारा मिर्जापुर की खास खबर। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव R9 भारत से इस समय हथेड़ा ग्राम सभा के आदिवासी बस्ती में मौजूद हूं। आज सुबह सुबह एक मगरमच्छ का लगभग 3 से 4 फीट का जो बच्चा है वो पकड़ा गया है ग्रामीणों द्वारा। ये एक लिंक नहर है, उसी के द्वारा निकलकर घरों में प्रवेश करना चाहता था। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल इसको पकड़कर और बांध दिया है और इसकी सूचना ड्रमनगंज वन रेंज को दे दिया गया है और हलिया वन रेंज को। हाँ, ये बताइए क्या नाम है आपका? जोगिंदर। अच्छा, ये बताइए कि ये मगरमच्छ जो पकड़ा गया है ये कब की घटना है, कितने बजे की? करीब 9 से 10 बीच के 10-11 के बीच में, रात में, रात को। अच्छा, रात से ही आप लोग पकड़े हैं इसको? जी हाँ, बांध दिए हैं। अच्छा, इसकी सूचना आपने वन विभाग को दिया है? जी हाँ। अच्छा, हलिया रेंज को कि ड्रमनगंज रेंज को? ड्रमनगंज रेंज, हलिया, दोनों को दे दिए हैं। तो क्या बोले वहाँ से कोई कर्मचारी अभी तक आया? अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया है? अच्छा, तो इसको सबसे पहले किसने देखा? इसको सबसे पहले हमारे गांव के लोग देखे। अच्छा, उसको जो है कि पकड़ करके बांधे गए। अच्छा, लोग सब पहुंचे। अच्छा, देखा उसको तो मौके पर बांधा था। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।